हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में जो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था, दैट इज हीप सॉर्ट। आज हम हीप सॉर्ट कवर करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी एल्गोरिथम्स कवर किए हैं उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी मर्ज सॉर्ट की आई थी। उसके बाद हमारी मर्ज सॉर्ट की आई थी। मर्ज सॉर्ट के बाद हमारी जो परफॉर्मेंस आती है वो आती है हीप सॉर्ट की। हीप सॉर्ट जो एल्गोरिथम है वो जो है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द बाइनरी ट्रीज। बाइनरी ट्रीज जो हमने पढ़े थे पीछे। लेट अस सी द टॉपिक। ये टॉपिक कवर करने से पहले हम थोड़ा ट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं। हमने ट्रीज की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें बाइनरी ट्री में हमने बाइनरी ट्री की टाइप पढ़ी थी, उसमें एक फुल बाइनरी ट्री होता है। तो फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। अ बाइनरी ट्री इन विच ईच नोड इज आइदर अ लीफ और हैज डिग्री एग्जैक्टली टू। तो फुल बाइनरी ट्री कह लो वो एक ऐसा ट्री होता है जिसमें या तो आपका जो नोड होगा उसमें कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, दैट इज इट इज अ लीफ नोड, या फिर आपका जो नोड होगा उसमें उसके कम से कम दो चाइल्ड होंगे। सो अ फुल बाइनरी ट्री और अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इज अ ट्री जिसमें जिसमें आपके या तो जीरो चाइल्ड होंगे या टू चाइल्ड होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लीफ नोड्स हैं जो आपके 14, 8, 7, 12, 9, 10, ऑल दीज नोड्स आर लीफ नोड्स। इनके जीरो चाइल्ड हैं। इससे ऊपर वाले जितने भी नोड हैं इंटरनल नोड्स हैं जो हमारे, चाहे वो टू हो, 16 हो, 1 हो, 3 हो, ऑल दीज आर नोड्स आर हैविंग टू चाइल्ड। तो इस ट्री को हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। एक हमने और पढ़ा था कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल एंड ऑल इंटरनल नोड्स हैव डिग्री टू। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसमें जितने भी आपके लीव्स होते हैं वो सारे एक लेवल पे होते हैं। दूसरा, उसमें आपके जितने भी इंटरनल नोड्स होते हैं उसकी डिग्री टू होती है। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके लीव के या जीरो चाइल्ड हो या टू चाइल्ड हो। इट कैन ऑल्सो हैव वन चाइल्ड ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू सम डेफिनेशंस। ये भी हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, इसमें हेल्पफुल होएगा। हाइट ऑफ अ नोड। हाइट ऑफ अ नोड क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ फ्रॉम नोड डाउन टू लीफ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला नोड ले लीजिए, इस नोड से आप लीफ नोड तक जाइए, कितनी एज जाई, कितनी लाइंस हैं, कितने लिंक्स हैं इसको ज्वाइन कर रहे हैं, एक। तो इसकी हाइट ऑफ टू क्या होगी? वन। ऐसे अगर हम फोर की निकालें, फोर हाइट ऑफ रूट, ठीक है, हाइट ऑफ रूट आप देखिए लीफ नोड से मैक्सिमम हाइट होती है। हाइट ऑफ रूट इज द हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री। अब मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम रूट इज फ्रॉम 14, 1, 2 एंड 3। तो हाइट ऑफ द रूट इज 3। क्लियर हो गया हाइट का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ अ नोड। लेवल ऑफ अ नोड इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम रूट टू द नोड। ठीक है, नाउ दैट मींस यहां से हम रूट से नोड तक का हम पाथ देखते हैं, दैट टेल्स द लेवल। फॉर एग्जाम्पल आपका ये यहां से हम देखते हैं, अगर 14 का लेवल देखते हैं, 14 का लेवल क्या होगा फ्रॉम रूट नोड? 1, 2, 3। सो 14 एंड 8 आर एट लेवल 3। अब यहाँ पे हम 10 देख लेते हैं, 10 का लेवल क्या है रूट नोड से? 1, 2। अब आपने नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। लेवल मीन्स एक तरह से डेप्थ हो गया आपकी, जैसे हम डेप्थ देखते हैं। तो इसका लेवल क्या हो गया? 2। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ ट्री। ये मैं बता ही चुका हूँ, हाइट ऑफ ट्री इज द हाइट ऑफ द रूट नोड। मैक्सिमम हाइट ऑफ द रूट नोड मैक्सिमम होती है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी हमारी इसकी? 3। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द हीप। हीप सॉर्ट और हीप डाटा स्ट्रक्चर। अब हीप हम जनरली किसको कहते हैं? हीप इज जनरली अ नियरली कंप्लीट। वैसे अगर हीप का मतलब हम देखें, हीप का मतलब होता है ढेर। हीप का मतलब क्या होता है? ढेर। ऐसे ही हम जो यहाँ पे हीप का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, हीप हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी ट्री के कंसेप्ट से हम एक हीप ट्री बना रहे हैं।
तो जो हीप ट्री होता है इट इज नियरली अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद टू प्रॉपर्टीज. अब हीप ट्री की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हीप होता है उसकी दो खास प्रॉपर्टीज होती हैं. पहली होती है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी. स्ट्रक्चरल का मतलब उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड. वो क्या कहती है? ऑल लेवल्स आर फुल. इसका मतलब क्या हुआ? उसके सारे के सारे लेवल्स फुल होते हैं एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट वन विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब क्या हुआ? इसके सारे के सारे लेवल्स पे, इंटरनल नोड वाले लेवल्स पे फुल होएंगे, मतलब उसके दो चाइल्ड होएंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन. मतलब लास्ट वाले लेवल पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके दो चाइल्ड हो ही हो. ठीक है, तो इट इज जस्ट नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर या हीप प्रॉपर्टी. ऑर्डर या हीप प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी नोड एक्स, पेरेंट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स. इसको हम बोलते हैं. अब आपकी जो हीप प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, दो तरह के आप हीप ट्री बना सकते हो. एक होता है हमारा मैक्स हीप ट्री, एक होता है मिन हीप ट्री. मैक्स हीप ट्री में जो पेरेंट होता है उसके अपने चाइल्ड से वैल्यूज ज्यादा होगी. अब आप ये वाला ट्री देख लीजिए. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मैक्स हीप ट्री. मैक्स का मतलब है रूट मैक्सिमम होगा उसका. अब आप देखिए, अगर हम इस ट्री में देखें, इस ट्री में 8 है अपने चाइल्ड से, उसकी वैल्यू ज्यादा है, मैक्सिमम है. ऐसे ही 7 है, उसकी वैल्यू अपने चाइल्ड से ज्यादा है और रूट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, तो मैक्स हीप ट्री क्या होता है? जिसमें जो रूट होता है इट इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द हीप. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैक्स हीप ट्री. ठीक है, अब हीप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एरे. यूजिंग एरे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हमने बाइनरी ट्री का कंसेप्ट किया था, बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन की थी. अब हमने ये मान लीजिए एक हमारी लिस्ट ऑफ एरे है, उसमें हमने इस तरह से एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं. तो रूट ऑफ द ट्री क्या होगी? A1. अगर हमारा ये एरे 1 to 10 स्टार्ट हो रहा है तो रूट क्या हो गया हमारा? A1. और A2 क्या हो गया हमारा? 14. A3 क्या हो गया हमारा? 10. अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये मैंने पहले भी बताया था. अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं एरे को तो हमारा फॉर्मूला क्या है? इसका चाइल्ड क्या होगा? 2 into i. इसकी इंडेक्स क्या था? 1. तो इसके चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? 2 into i, लेफ्ट चाइल्ड का. ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? 2 into 1, 2. तो सेकंड इंडेक्स पे हमारा 14 आ गया. 14 को हमने इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया. इसके बाद 10. 10 के लिए फॉर्मूला, राइट चाइल्ड के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 into i plus 1. इसका इंडेक्स क्या है? 1. 2 plus 2 into 1, 2. 2 plus 1 कितना हो गया? 3. तो ये इसका राइट चाइल्ड आ गया, 3. ठीक है, अब ये हमारा 10 तक कंप्लीट हो गया. अब 14 जो है ये भी आगे किसी का पेरेंट है. 14 के चाइल्ड क्या कैसे निकलेंगे? 14 का इंडेक्स देखिए, 14 का इंडेक्स क्या है? 2. तो इसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? 4. इसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? 4. तो हमारा जो 8 है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया. और इसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? 5. 5 कैसे होगा? 2 into 2 plus 1. इस तरह से हमने ये एक हीप ट्री बना लिया, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप. तो हम इस तरह से एक हीप ट्री बनाते हैं. हीप ट्री में जनरली जो हम ऑर्डर फॉलो करते हैं, दैट इज रूट लेफ्ट राइट, देन रूट लेफ्ट राइट. ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या था? एक सीक्वेंस में हम ट्री बनाते हैं. सबसे पहले हमने 16 का पहला नोड ले लिया, पहले नोड में 16 को वैल्यू दे दी. इसके बाद 14, 14 इसका पहला रूट आ गया, रूट के बाद लेफ्ट, 14 को लेफ्ट बना दिया, लेफ्ट चाइल्ड. फिर 10, 10 को इसका राइट चाइल्ड बना दिया. फिर हमने सीक्वेंसली चलना है. ठीक है, 14 के बाद, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आई हमारी? 8. 14 का लेफ्ट चाइल्ड क्या बन गया? 8. नेक्स्ट वैल्यू क्या आई? 7. इसका 7 बन गया. इसके बाद नेक्स्ट क्या आया? 9. 10 का 9 बन गया लेफ्ट चाइल्ड. 3 इसका राइट चाइल्ड बन गया. इसके बाद 2, 2 हमने 8 का लेफ्ट चाइल्ड बना दिया. और 4 हमने 8 का राइट चाइल्ड बना दिया. लास्ट बचा हमारा 1, 1 हमने 7 का लेफ्ट चाइल्ड बना दिया. तो इसी ऑर्डर में हम एक बाइनरी ट्री या हीप ट्री
बाइनरी हीप ट्री को क्रिएट करते हैं। अब इसमें आप कुछ और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जितने भी इंटरनल नोड्स होते हैं उसका जो पेरेंट होता है, पेरेंट अगर हमें पेरेंट निकालना हो किसी नोड का, दैट इज आई बाय टू, पेरेंट ऑफ ए आई इज आई बाय टू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ट्री के इंटरनल नोड्स निकालना चाहते हैं या इसका हम ए इसका पेरेंट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए एट का, एट का पेरेंट क्या होगा, फोर डिवाइडेड बाय टू, हम फ्लोर वैल्यू लेते हैं, ऐसे ही फ्लोर वैल्यू का मतलब है पॉइंट वाले को छोड़ देते हैं, ऐसे ही फाइव डिवाइडेड बाय टू क्या हो गया, 2.5, पॉइंट फाइव को छोड़ दिया तो टू, ऐसे इसका 6/2 3, 7/2 3, इसका 2/2 1, 3/2 1, ठीक है, 8/2 4। तो पेरेंट ऑफ अ नोड इज ए आई बाय टू, उसके इंडेक्स को 2 से डिवाइड कर। और जो हमारा हीप का साइज होता है, इस एरे का जो साइज है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। अब लीफ नोड्स अगर हमने निकालने हो इस ट्री के, लीव्स निकालने हो कि लीव्स इसके कहां से कहां तक होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, एन बाय टू प्लस वन अप टू एन, एन बाय टू। अब इसमें आप देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 10, तो ए 10/2 कितना हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 से लेके n कितना है हमारा, 10, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, तो ए 6 से लेके 10 तक इसके लीव्स हैं। अगर इसका इंडेक्स देखें हम, 6 7 8 9 10, 6 से लेके 10 तक इसके सारे क्या हैं, लीव्स, ठीक है। तो अब इसमें हमें एक तो हमें ये पता लग गया कि हीप ट्री कैसे बनाना है। हीप ट्री बनाने के लिए पहला नोड रूट नोड हो जाएगा, नेक्स्ट नोड उसका लेफ्ट चाइल्ड, उससे नेक्स्ट नोड उसका राइट चाइल्ड, फिर उससे नेक्स्ट नोड इसके लेफ्ट नोड का लेफ्ट चाइल्ड और इसके लेफ्ट नोड का राइट चाइल्ड, ऐसे ही अगला जो आएगा इसी सीक्वेंस में हमने बनाना है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट एंड लेफ्ट, इसी ऑर्डर में हमने बनाना है। इसको हम इस तरह से एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड 2i × इंडेक्स होता है और राइट चाइल्ड 2 × इंडेक्स + 1, ठीक है। और लीफ नोड्स निकालने का तरीका क्या है, लीव्स निकालने का, दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे कितना है, 10 10/2 + 1, दैट इज योर 6 से लेके 10 तक इसके लीव्स हैं। हम देख सकते हैं ये सारे नोड्स कौन से हैं, लीव्स, 6 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, 7 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, 8 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, 9 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, 10 का भी कोई चाइल्ड नहीं है। जिस नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड, ठीक है। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यही जो हमने ऑर्डर टाइप्स पढ़े थे, हीप दो तरह के होते हैं, मैंने पहले बताया था, मैक्स हीप क्या होता है, जिसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पे होता है, रूट पे, इसको बोलते हैं मैक्स हीप प्रॉपर्टी। फॉर ऑल आई नोड्स एक्सक्लूडिंग द रूट ए पेरेंट आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई, ठीक है। ऐसे ही मिन हीप हो गया, जिसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका कहां पे होता है, रूट पे, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए पेरेंट आई इज लेस देन ऑफ इक्वल टू ऑफ ए आई, ठीक है। आई थिंक ये मैक्स हीप और मिन हीप का क्लियर हो गया होगा। हम जो एग्जांपल लेके चलेंगे इसमें हीप सॉर्ट का, वो हम मैक्स हीप बनाएंगे। अब इसमें हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हीप सॉर्ट एल्गोरिथम जो हमारा होता है वो कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। हीप सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क्स बाय फर्स्ट ऑर्गेनाइज द डाटा टू बी सॉर्टेड इनटू अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री कॉल्ड अ हीप। तो सबसे पहला हमारा इसमें स्टेप क्या होगा, जो हमें एरे का डाटा दिया होगा उसका हम एक हीप ट्री बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हीप ट्री। हीप ट्री मैंने अभी बताया कैसे बनाना है। एनी काइंड ऑफ डाटा कैन बी सॉर्टेड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या होंगे, आप सिर्फ इतने ही याद कर लेना स्टेप्स, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको पेपर में भी आता है तो आपको एल्गोरिथम में आप इतने ही स्टेप्स याद कर सकते हैं। ये तीन स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, बिल्ड अ हीप ट्री विद अ गिवन सेट ऑफ डाटा। जैसे हमें ये डाटा दिया होगा तो हमने सबसे पहले क्या बनाना है, इसका
हीप ट्री बनाना है। जैसे हीप ट्री कैसे मैंने बता दिया आपको, हीप ट्री कैसे बनाना है, सबसे पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, बिल्ड अ हीप ट्री विद द गिवन सेट ऑफ द डाटा। और ये हीप ट्री हमने कौन सा बनाना है, मैक्स हीप ट्री, मैक्स हीप ट्री हमने बनाना है, मैक्स हीप ट्री। अब ये जो हमारा हीप ट्री है, इट इज अ सिंपल हीप ट्री, हमने इसको क्या बनाना है, मैक्स हीप ट्री। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, बिल्ड अ हीप ट्री, रादर ये होना चाहिए मैक्स हीप ट्री, मैक्स हीप ट्री। यहाँ पे हीप ट्री का मतलब मैक्स हीप ट्री है, मैक्स हीप ट्री मतलब जिसमें आपका जो पेरेंट है हर चाइल्ड से बड़ा होगा, जो रूट नोड है वो मैक्सिमम होगा, इट इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू। अभी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप क्या है, आपने पहले एक मैक्स हीप ट्री बना लिया, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में सबसे पहले आप क्या करेंगे, टॉप मोस्ट आइटम जो लार्जेस्ट आइटम है रूट पे आ गया, रूट पे हमारा लार्जेस्ट आइटम आ जाएगा हीप ट्री बनाने के बाद, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, लास्ट एलिमेंट इन द हीप ट्री, जो हीप ट्री का लास्ट नोड होगा उसके साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हम उसका मैक्स हीप ट्री बनाएंगे, उसको दोबारा से रीहीपीफाई करेंगे, मतलब उसको दोबारा से मैक्स हीप ट्री बनाएंगे, और जो डिलीटेड नोड था हमारा उसको हम आउटपुट एरे में रख देंगे। फिर हम दोबारा इस स्टेप पे चले जाएंगे, ये काम हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे सारे नोड्स डिलीट नहीं हो जाते और हमारा हीप ट्री एम्प्टी नहीं हो जाता। लेट अस लुक एट अ एग्जांपल, ये हम तीन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। सबसे पहला हो गया मैक्स हीप, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, बिल्ड अ हीप ट्री। तो हीप ट्री हम किससे बनाएंगे, इससे, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं हम ए बाई टू से शुरू कर रहे हैं, ए बाई टू का मतलब है इंटरनल नोड। इसमें हम जब भी मैक्स हीप ट्री बनाएंगे हम कहां से शुरू करेंगे, इंटरनल नोड्स, ठीक है। नाउ दिस एल्गोरिथम विल बिल्ड अ मैक्स हीप ट्री, मैक्स हीप ट्री इससे बन जाएगा हमारा। दूसरा एल्गोरिथम हमारा हीपीफाई, हीपीफाई क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अगर मान लीजिए अब हमारा जैसे ये वाला ट्री था, दिस ट्री इज नॉट अ मैक्स दिस ट्री, अब ये ट्री कुदरती बाई चांस ही हमारा मैक्स हीप ट्री है बाई चांस। अब हमारा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसी से हम शुरू करते हैं। अब हमारा ये ट्री ले लीजिए, मान लीजिए हमने इस ट्री को सॉर्ट करना है, इस एरे को सॉर्ट करना है, एक से लेके दस तक हमारे पास ये वैल्यूज है। तो सबसे पहला मैंने स्टेप क्या बताया, हमने क्या करना है, एक हीप ट्री बनाना है। हीप ट्री बनाने के लिए सबसे पहला हमारा फर्स्ट हमारा जो वैल्यू थी वन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको हमने रूट नोड बना दिया, रूट लेफ्ट, लेफ्ट पे हमारा सेकंड आ गया, राइट हमारा नाइन थ्री आ गया, थ्री वाला इंडेक्स राइट आ गया, फॉर्मूला वही है 2i और 2i प्लस 1, इसका वन इंडेक्स था, इसका टू हो गया, इसका थ्री हो गया। फिर अगेन नेक्स्ट क्या है, वन, वन हमारा क्या हो गया, अब ये रूट बन गया, इसका लेफ्ट राइट, अगेन इसका रूट लेफ्ट राइट, ऐसे अगेन इसका रूट लेफ्ट राइट, अगेन इसका रूट लेफ्ट, इसका 16 हो गया। तो हमने सबसे पहले एक सिंपल हीप ट्री बना लिया। अब हमने इसका क्या बनाना है, मैक्स हीप ट्री। मैक्स हीप ट्री की मैंने क्या खासियत बताई है, उसका उसमें हमारा जो रूट नोड होता है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, और हर पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड की वैल्यू ज्यादा होती है। अब ये हमारा मैक्स हीप ट्री नहीं है, ठीक है। अब मैक्स हीप ट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्स हीप ट्री हम कहां से बनाना शुरू करेंगे, उसको हम शुरू करेंगे इंटरनल नोड से। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनल नोड, कौन से इंटरनल नोड से, अब इसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इस ट्री में, इस ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे 10 है, 10 है, इसका मतलब हम हमेशा 10 बाय 2 से शुरू करेंगे, n बाय 2। अगर हमारे ट्री में या हमारे एरे में अगर n एलिमेंट्स हैं तो हम n बाय 2 पोजीशन से शुरू करेंगे। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं n बाय 2 हमारा क्या हो गया, इंडेक्स 5। यहां से हम इसको मैक्स हीप करना, मैक्स हीप ट्री बनाना शुरू करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10 है। ये वाले सारे इंडेक्स क्या है, लीफ,
इनको मैक्स करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला अगर हम देखते हैं लीफ नोड, इसके ये पहले ही मैक्सिमम है क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। ऐसे ही ये लीफ नोड देखिए, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। तो हमें 10 तक तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 तक दे आर ऑलरेडी इन मैक्स हीप फॉर्म ऑर्डर। अब इसीलिए हम फॉर्मूला हमने क्या लगाया एल्गोरिथम में, अगर हम देखें ध्यान से, हमने क्या किया, लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 to 1, और हमने मैक्स हीप को कॉल कर लिया। तो लेंथ डिवाइडेड बाय 2 का लॉजिक यही है कि सीधा हम इंटरनल नोड से शुरू करेंगे मैक्स हीप करना, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5। अब हम इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से करेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो अब आप देखिए इस रूट नोड, ये अब इसका ये पेरेंट है, अब इसका चाइल्ड क्या है, 16। अब हम इस पेरेंट की इस चाइल्ड से वैल्यू करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका पेरेंट हमेशा अपने चाइल्ड से बड़ा होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये उसको वायलेट कर रहा है, तो मैक्स हीप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को नीचे ले आएंगे। तो अब हमने क्या किया, 16 को हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमने 5 से स्टार्ट किया, 5 से मैंने रीजन बता दिया क्यों स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, 16 को 7 से रिप्लेस कर दिया। ऐसी एरे में भी हम क्या करेंगे, एरे में भी इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा नीचे एरे है, ये हमारा ट्री में है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमने 7, पहले हमारा 7 ऊपर था, 16 नीचे था, तो हमने 16 को ऊपर कर दिया, बिकॉज पेरेंट शुड बी मैक्सिमम, तो चाइल्ड को पीछे कर दिया। और यहाँ पे एरे में भी हमने 16 और 7 को स्वैप कर दिया, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 5 था। अब हमारा नेक्स्ट, हमारा इंटरनल लोड कौन सा है, अब हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे 5 से, कौन से पे आएंगे, अब इसका कोई और चाइल्ड नहीं है, तो हम इस नोड पे आ जाएंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 4, हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो 4 पे आइए। 4 पे हमारी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 पे आएंगे तो इसकी 1 है, इसकी 14 है, ठीक है। अब हम 4 पे आ गए, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 14 है। अब फिर अगेन मैक्स हीप में नहीं है, तो हमारा होना क्या चाहिए, 1 जो यहाँ पे पेरेंट है, इट शुड बी लार्जेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम इसके चाइल्ड से इसको कंपेयर करें, सबसे बड़ा चाइल्ड कौन सा है, 14, तो यहाँ पे हम इसके पेरेंट को 14 वाली वैल्यू से फिर एक्सचेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ 14 को ऊपर ले आए और 1 को नीचे ले आए, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी 1 और 14 को एक्सचेंज कर दिया एरे में भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। इसके बाद अब 4 के बाद हम कौन से इंडेक्स पे जाएंगे, 3 पे। नेक्स्ट वी मूव टू 3 पे गए, 9 हमारा पेरेंट था, उसके चाइल्ड थे 10 और 3। अब ये 3 वाला तो चलो छोटा है, 10 वाला इससे बड़ा है, तो अगेन हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज। यहाँ पे भी हम 9 और 10 को एक्सचेंज कर देंगे, तो हमने 10 ऊपर कर दिया, 9 नीचे कर दिया, यहाँ पे भी 10 और 9 को स्वैप कर दिया, ठीक है। अब 3 हमारा क्लिप, यहाँ तक हमारा ये सब ट्री भी ठीक हो गया, राइट वाला भी। अब हम कहाँ जाएंगे, इंडेक्स 2 पे, पहले 5 पे गए थे, फिर 4 पे, अब 3 पे, अब 2 पे। हम कहाँ तक जाएंगे, रूट नोड तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किस पे आ गए, 2 पे। अब अगेन इसको चेक करो आप, अब इसके दोनों चाइल्ड इससे बड़े हैं, 4 भी 14 से बड़ा है, 14 भी 4 से बड़ा है, और 16 भी, सबसे बड़ा कौन सा है, 16। तो हम इसको 16 के साथ एक्सचेंज कर देंगे, तो 4 को यहाँ पे 16 के साथ एक्सचेंज कर देंगे, तो 16 ऊपर आ गया, ठीक है, 16 ऊपर आ गया आपका और 4 नीचे आ गया। अब जब 4 नीचे आएगा, 4 को फिर आप देखो इसका चाइल्ड क्या है, 7, वो इससे फिर बड़ा है, तो हम इसके चाइल्ड 7 को भी 4 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 को भी 7 के साथ रिप्लेस कर दिया, पहले हमने क्या किया, 16 और 4 को किया, ठीक है, फिर 4 को किसके साथ कर दिया, 7 के साथ, ठीक है। क्यों, जब आपका 4 इधर आ जाएगा तो 4 का चाइल्ड क्या है, 7, ठीक है, तो 7 भी इससे बड़ा होना चाहिए, फिर वायलेट होगी आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी। तो आपका 7 ऊपर आ गया और यहाँ पे 4 के साथ हमने 7 को
स्वैप कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, ये वाला ट्री हमारा मैक्स हीप में आ गया। आप देखिए इसका पेरेंट क्या है, 10, इसके चाइल्ड दोनों इससे छोटे हैं। अब यहाँ वाला पूरा सब ट्री ले लो, 16, इसका चाइल्ड 14, 7, इसका चाइल्ड 1, 8, इसका चाइल्ड 7, 4। अब ये हमारा लेफ्ट सब ट्री भी पूरा हो गया मैक्स हीप में और राइट भी। अब हम कहाँ जाएंगे, रूट पे, रूट पे चले गए। अब रूट पे वैल्यू क्या है, 1। अब इसके लेफ्ट चाइल्ड से कंपेयर किया तो इसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या है, 16, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, रूट पे। ऐसे ही हम 116 को भी स्वैप कर देंगे, तो 16 हमारा कहाँ पे आ गया, टॉप पे। अब 1 आ गया यहाँ पे, अगेन इसने फिर इसका जो पेरेंट है 14 का जो पेरेंट है वो इससे बड़ा हो गया, पेरेंट शुड बी लार्जर, तो हमने फिर 14 के साथ इसको चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, फिर ये फिर वायलेट कर गया, तो 8 को फिर हम इससे, क्योंकि 8 इज द लार्जेस्ट चाइल्ड, इसके साथ इसको रिप्लेस कर देंगे, तो 8 ऊपर आ गया। अब हमारा ये पूरा ट्री क्या बन गया है, दिस हैज बिकम अ मैक्स हीप ट्री। तो यही है, नाउ मैक्स हीप ट्री इज क्रिएटेड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एल्गोरिथम। पहला एल्गोरिथम का स्टेप यही था कि हम अपना जो ट्री है, हमारा जो ट्री है, हीप ट्री है, उसमें हर पेरेंट की वैल्यू उसके चाइल्ड से ज्यादा होगी और रूट की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, इट शुड बी द लार्जेस्ट। यहां तक सबको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था एल्गोरिथम का, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, सेकंड स्टेप हमारा कहता था कि हाँ ये रहा, रिमूव द, सबसे पहला तो हो गया हमारा, हमने मैक्स हीप ट्री बना लिया। दूसरा क्या कहता है, रिमूव द टॉप मोस्ट आइटम, दैट इज द लार्जेस्ट आइटम, एंड रिप्लेस इट विद द लास्ट एलिमेंट इन द हीप। और दूसरा स्टेप क्या है, उसको दोबारा से मैक्स हीप बनाओ। और तीसरा स्टेप क्या है, डिलीटेड नोड को आउटपुट में डालो, ठीक है। तो हम यही तीनों स्टेप अब इसमें करने जाएंगे। वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारा जो मैक्स हीप बन गया था, मैक्स हीप ट्री हमारा बन गया था, ये हमारा बन गया था मैक्स हीप ट्री। मैक्स हीप ट्री क्या होता है, जिसमें हर एक पेरेंट अपने चाइल्ड से बड़ा होगा और रूट पे लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो रूट वाली वैल्यू है, जो लार्जेस्ट नोड है, उसको अब आप इसमें देखिए, इसमें आपका जो पहला लार्जेस्ट नोड कहाँ पे आ गया, सबसे पहली पोजीशन पे, पहले इंडेक्स पे, और लास्ट नोड क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के हिसाब से एल्गोरिथम के, जो रूट नोड है उसको हम किससे डिलीट कर, रूट नोड को डिलीट कर देंगे और 4 के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे, लास्ट नोड के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, 16 को 4 के साथ एक्सचेंज कर दिया, या हम एक तरह से कह सकते हैं 16 को हमने डिलीट कर दिया इस ट्री में से। 16 हमारा इस ट्री में से डिलीट हो गया और 6 और हमारा ये 4 टॉप पे आ गया, क्योंकि हमने लास्ट नोड हमारा क्या था, 4 को हमने 16 की जगह रख दिया और 16 को डिलीट कर दिया, और 16 की जो वैल्यू थी वो हमने कहाँ पे रख दी, 10th पोजीशन पे। 16 जो हमारा आया उसको हमने कहाँ पे रख दिया, 4 को 16 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो फर्स्ट को हमने लास्ट के साथ कर दिया, तो लास्ट में हमारा क्या आ गया, 16। तो एक तरह से हमारे एरे में लास्ट वैल्यू हमारी सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम, ये हमारा ट्री बन गया। अब ये ट्री क्या हमारा मैक्स हीप है, नहीं, देखने से ही पता लग रहा है, क्योंकि टॉप पे क्या है, 4, जबकि इससे बड़ी वैल्यूज यहाँ पे है। मैक्स हीप ट्री क्या होता है, जिसमें रूट इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू। तो हम अब इस ट्री पे दोबारा से हम मैक्स हीप वाले एल्गोरिथम को कॉल कर लेंगे। फिर हम, अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉप से। कहां से स्टार्ट करेंगे, टॉप से, ठीक है। डिलीशन के बाद हम टॉप से शुरू करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। 4 से हमने शुरू किया, 4 का लेफ्ट चाइल्ड देखिए और राइट चाइल्ड देखिए। सबसे बड़ा चाइल्ड कौन सा है, 14।
तो हम 4 को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 14 के साथ। तो हमने क्या किया, 4 को 14 के साथ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी 4 और 14 को रिप्लेस कर दिया। फिर 4 का हमने चाइल्ड्स को देखा, सेकंड इंडेक्स पे आ गए हम, 4 के चाइल्ड्स को देखा हमने, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 8, तो हमने इसको 4 को 8 के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। 4 को हमने 8 के साथ रिप्लेस कर दिया, दैट इज फाइन। और देखिए बाकी चाइल्ड, देखिए 4 के दे आर ओके, दोनों 1-1 है। और देख लेते हैं 10, इसके भी छोटे हैं। बाकी अब ये ट्री हमारा क्या बन गया, नाउ इट हैज बिकम अ मैक्स हीप ट्री। दोबारा से क्या बन गया, मैक्स हीप ट्री। अगेन हम सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, फिर हम सेकंड स्टेप पे गए। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सबसे टॉप वाले रूट वाले नोड को लास्ट वाले नोड से डिलीट कर दो। अब ये हम 16 को नहीं कंसिडर करेंगे लास्ट नोड, हम लास्ट नोड कौन सा लेंगे, 9। 9 पे क्या है, 1। 14 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो 14 को हमने 1 से एक्सचेंज कर दिया, 14 यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह, और 1 आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो 1 को हमने 14 कर दिया, ये दो हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम 1 से लेके 8 तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। अब टॉप पे हमारा क्या आ गया, 1। हमने दोबारा से मैक्स हीप वाले एल्गोरिथम को कॉल कर लिया। अब मैक्स हीप वाला एल्गोरिथम में वही, अब हम यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे। 1 के चाइल्ड देखो, पहला चाइल्ड क्या है, लेफ्ट चाइल्ड 8, ये 10, मैक्सिमम कौन सा है दोनों में से, 10। तो हमारा 10 कहाँ आ जाएगा, कायदे से ऊपर आ जाएगा, 1 और 10 को हम रिप्लेस कर देंगे। 10 हमारा ऊपर आ गया। 1 के चाइल्ड देखिए, 1 का चाइल्ड क्या है, 9 और 3, तो टॉप पे क्या आना चाहिए, 9। तो 9 हमारा आ गया टॉप पे। अब ये हमारा ट्री जो है, ये वाला भी हमारा ट्री क्या बन गया, मैक्स हीप ट्री बन गया। अब अगेन हम वही करेंगे, हमारा 10 हो गया फर्स्ट, और 8 इज द लास्ट। तो फर्स्ट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, लास्ट वाले से। फर्स्ट नोड को लास्ट नोड से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब हम 10 को डिलीट कर देंगे और 1 को 10 की जगह ले जाएंगे। तो 1 हमारा ऊपर आ गया, 10 हमारा ये आ गया 8th पोजीशन पे। तो 8, 9, 10 हमारे क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। इसके बाद अगेन हम 1 पे आ गए, फिर हमने मैक्स हीप, फिर हमारा ये हीप ट्री खराब हो गया, इसको फिर मैक्स हीप ट्री बनाना पड़ेगा। हमने मैक्स हीप वाले एल्गोरिथम को फिर कॉल किया, अगेन फिर चेक करेंगे हम पेरेंट्स से उसके चाइल्ड्स को, चाइल्ड की वैल्यू किस कौन सी लार्जेस्ट है, 9, तो हम इसको 9 से रिप्लेस कर देंगे। अगेन इसके चाइल्ड को चेक किया, 3 इज द लार्जेस्ट, तो 3 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। नाउ हमारा ये ट्री दोबारा से क्या बन गया, मैक्स हीप ट्री, ठीक है। अब इस ट्री के सारे पेरेंट्स की वैल्यू चाइल्ड से ज्यादा है और रूट नोड की वैल्यू लार्जेस्ट है। तो अगेन हम, हमारा ये 3 वैल्यू हमारी फिक्स हो चुकी हैं, ये सॉर्ट हो चुकी हैं। 1 to 7 देखेंगे, 9 को किससे स्वैप कर देंगे, 1 से, और 9 हमारा नोड क्या हो जाएगा, ट्री से डिलीट हो जाएगा। तो 9 हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये 4 लास्ट की वैल्यूज हमारी सॉर्ट हो चुकी हैं। टॉप पे क्या आ गया, फिर 1। फिर हमने मैक्स हीप को कॉल किया, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप अगेन। अब 1 के चाइल्ड देखो, इसका चाइल्ड मैक्सिमम कौन सा है, 8, तो हमने 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, 8 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 1 को 8 से कर दिया, अगेन 1 पे यहाँ पे आ गया। उसके फिर चाइल्ड देखे, 1 का चाइल्ड क्या है, मैक्सिमम 7, 7 से इसको रिप्लेस कर दिया, 7 को रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारा ट्री दोबारा से क्या बन गया, दिस हैज बिकम अ मैक्स हीप ट्री। आप देख सकते हैं हर एक पेरेंट की वैल्यू अपने चाइल्ड से ज्यादा है और रूट की वैल्यू मैक्सिमम। अगेन अब हमारा 1 to 6 है, तो 8 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। यहाँ से रूट 8 वाले को डिलीट कर देंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे। तो 1 हमारा टॉप पे आ गया, और ये हमारी 5 वैल्यूज लास्ट की सॉर्ट हो चुकी है। अगेन हमने 1 से शुरू किया, 1 के चाइल्ड्स देखो, 7 और 3, मैक्सिमम क्या है, 7, 7 के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। अगेन 1 यहाँ पे आ गया, 1 को फिर देखा, 4 इज द मैक्सिमम, 4 से हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारा ट्री दोबारा से क्या बन गया, मैक्स हीप ट्री बन गया। अगेन 7 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, लास्ट नोड से। लास्ट नोड क्या है अब इसका, 1। तो
तो 7 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 1 से, ठीक है। तो 7 हमारा नोड डिलीट हो जाएगा, ये हमारा डिलीट हो गया 1 हमारा टॉप पे आ गया। 1 से फिर इसके चाइल्ड देखो, 1 से इसका बड़ा चाइल्ड कौन सा है, 4, तो हमने 4 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये ट्री क्या बन गया, फिर मैक्स हीप ट्री बन गया। अब हम फिर वही फर्स्ट नोड को, लास्ट हमारा क्या है 1 to 4 हो गया, क्योंकि 5 से लेके 10 तक हमारे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। 4 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, इस नोड को भी डिलीट कर देंगे, टॉप पे नोड क्या आ जाएगा 1, तो हमारा 1 टॉप पे आ गया, 4 जो था हमारा वो भी हमने इसमें 4th पोजीशन पे डाल दिया। तो 4 से लेके 10 पोजीशन हमारी ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी हैं। अगेन 1 से शुरू करेंगे, इसका चाइल्ड चेक किया, मैक्सिमम चाइल्ड कौन सा है 3, तो हमने इसको 3 से रिप्लेस कर दिया। अब ये ट्री हमारा क्या बन गया, मैक्स हीप ट्री बन गया दोबारा से। अगेन अब फर्स्ट नोड हमारा क्या है, रूट नोड 3, और लास्ट नोड क्या है 1, तो 3 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, यहां से 3 को हम डिलीट कर देंगे, तो 1 1 बच गया। अब ये ऑलरेडी मैक्स हीप ट्री है, तो इसमें से हम क्या करेंगे अगेन, ठीक है, ये ऑलरेडी एक मैक्स हीप ट्री है, तो हम फर्स्ट नोड को लास्ट नोड से रिप्लेस कर देंगे, 1 को 1 से कर दिया, तो 1 वाला हमारा डिलीट हो गया। लास्ट वाला जो नोड बटा उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल नोड इज इटसेल्फ अ मैक्स हीप ट्री, तो ये हमारा मैक्स हीप ट्री बन गया। तो इस तरह से हमारा ये एरे एक सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। दिस इज हाउ वी सॉर्ट यूजिंग हीप सॉर्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो इसमें, आप बस मेन कंसेप्ट इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक हीप ट्री बनाना है। हीप ट्री बनाने के बाद हमने उसको मैक्स हीप ट्री बनाना है। मैक्स हीप ट्री हमारा एक बार बन जाता है, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में आना है। तो एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या कहता है कि मैक्स हीप ट्री बनाओ, जस्ट मूव अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। हमारा जो पहला स्टेप क्या कहता है एल्गोरिथम का कि मैक्स हीप ट्री बनाइए। सेकंड स्टेप क्या कहता है, जब आपका मैक्स हीप ट्री बन जाए तो आप क्या करो, जो आपका टॉप नोड, टॉप मोस्ट या रूट नोड है, उसको लास्ट नोड के साथ रिप्लेस कर दो। रूट नोड की वैल्यू को डिलीट कर दो एक तरह से ट्री में, और उसको लास्ट नोड के साथ रिप्लेस कर दो, और उसकी वैल्यू को फिक्स कर लो, ठीक है। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को एक एक करके फिक्स कर लिया, और ठीक है, एक बार आपने मैक्स हीप ट्री बना दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, दोबारा से आपका वो ट्री मैक्स हीप ट्री नहीं रहेगा, आपको दोबारा से मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। आप मैक्स हीप एल्गोरिथम को कॉल करोगे, ये तब तक होता रहेगा जब तक आपके सारे नोड्स डिलीट होके सॉर्टेड एरे की लिस्ट में नहीं आ जाते। दिस इज नोन एज योर हीप सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। और आपको हीप सॉर्ट एल्गोरिथम में आप ये सिर्फ 4 स्टेप्स याद रखिए, जो बेसिक स्टेप्स हैं हमारे 4 स्टेप्स, दैट इज, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, दीज 4 स्टेप्स, सॉरी, पहला है बिल्ड अ मैक्स हीप ट्री, सबसे पहले एक हीप ट्री बनाइए, उसके बाद जब आपका मैक्स हीप ट्री बन जाए, टॉप मोस्ट आइटम मतलब कि रूट नोड लार्जेस्ट, उसको रिप्लेस कर दो लास्ट के साथ। रिप्लेस करने के बाद दोबारा से उसको रीहीपीफाई करो, मतलब उसका दोबारा से मैक्स हीप ट्री बनाइए, और डिलीट नोड को आउटपुट में डाल दो। और ये स्टेप कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा हीप ट्री एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा पहले सिंपल हीप ट्री था हमने बनाया, उसके बाद हमने इसको मैक्स हीप ट्री बना दिया था, ये मैक्स हीप ट्री बन गया था हमारा। मैक्स हीप ट्री बनने के बाद ये हमारा रूट नोड क्या आ गया था, लार्जेस्ट, तो हमने इसको लास्ट नोड के साथ रिप्लेस कर दिया, और इसको हमने डिलीट, तो इसको हमने यहाँ पे 16 को डिलीट करके लास्ट में उसकी वैल्यू फिक्स कर, ठीक है। यही स्टेप हमने सारों के लिए फॉलो किए हैं। अब ये हमारा दोबारा से क्या बन गया, दिस इज नॉट अ मैक्स हीप ट्री, क्योंकि टॉप पे 4 वैल्यू है, तो हमने दोबारा किसको कॉल कर लिया, मैक्स हीप वाले एल्गोरिथम को, वो दोबारा से इसको सॉर्ट करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप पोजिशन, ठीक है। तो डूइंग दिस वी विल गेट ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड फॉर्म। ये हम देख रहे हैं कि हमने सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स सॉर्टेड फॉर्म में आ गए। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, और इसके एप्लीकेशंस अगर हम देख लेते हैं, सबसे पहली एप्लीकेशन है हीप डाटा स्ट्रक्चर की है। सबसे पहली एप्लीकेशन तो आप यही कह सकते हो
दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रायोरिटी क्यूज. प्रायोरिटी क्यूज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, जिसमें हम पर्टिकुलर क्यूज को प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हीप सॉर्ट. दे कैन बी मॉडिफाइड, हीप्स कैन बी मॉडिफाइड टू सपोर्ट इंसर्ट डिलीट एंड एक्सट्रैक्ट मैक्स डिक्रीज की ऑपरेशंस इन ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम. दूसरा है डायरेक्ट एप्लीकेशंस क्या है, बैंडविड्थ मैनेजमेंट में यूज होते हैं. काफी प्रोटोकॉल्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क के, वो प्रायोरिटी क्यूज का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, मैक में. दूसरा है डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, शेड्यूलर्स में यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, हफमैन कोडिंग में यूज करते हैं, ठीक है. कहने का मतलब है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. और फाइनल जो हम कह सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग ऑफ एरेस. दिस इज द मेन एप्लीकेशन, सॉर्टिंग एंड योर प्रायोरिटी क्यूज. दिस इज द टू मेन एप्लीकेशंस ऑफ योर हीप डाटा स्ट्रक्चर. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये. अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच.